दोस्तों, आज तुर्की ने अमेरिका को सबसे बड़ा सबक सिखा दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका की बोलती पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। दरअसल तुर्की अमेरिका से कुछ F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहता था, जिसको लेकर तुर्की ने अमेरिका को कुछ पेमेंट एडवांस में भी दे दी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से तुर्की ने रशिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 खरीद लिया था, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की को अपना F-35 फाइटर जेट देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब तुर्की की तरफ से अमेरिका से अपना वो पैसा मांग लिया गया है जो तुर्की ने F-35 फाइटर जेट के लिए अमेरिका को दिया था। साथ में तुर्की की तरफ से अमेरिका को ये भी बोला गया है कि हमें आपके F-35 फाइटर जेट नहीं चाहिए, तुम हमारे तुरंत पैसे वापस दो। इस पैसे की मदद से हम खुद के दम पर ही अपने TFX फाइटर जेट को बना सकते हैं, जिससे अब तुर्की को भी ये बात समझ में आ गई है कि अमेरिका के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। लेकिन अमेरिका की इस हरकत को देखते हुए भारत को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका पहले ही ये चाहता है कि भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट ना बनाए, इनकी जगह पर भारत अमेरिका से अमेरिका का F-35 फाइटर जेट ले ले। ऐसा अमेरिका इसलिए भी चाहता है क्योंकि भारत ने अब से 3 साल पहले अमेरिका से अमेरिका का F-414 इंजन मांगा था, लेकिन 3 साल बाद भी अमेरिका अपने इस इंजन के IP राइट्स भारत को नहीं देना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के लिए इंजन की डील अभी भी ऐसी ही लटकी हुई है, जिससे अब भारत को अमेरिका से तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हमेशा केवल उसी डील को साइन करता है जिसमें अमेरिका का खुद का फायदा होता है। तुर्की इस बात को एक बार भुगत चुका है, लेकिन अब भारत को भी यहाँ पर स्मार्ट डिसीजन लेते हुए ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय के साथ इंजन बनाने की डील साइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का कुछ पता नहीं है कि अमेरिका डील साइन करने के बाद भी अपनी बात से हट जाता है, जैसा कि हमें तुर्की के केस में देखने को मिला है। और अगर तुर्की जैसा केस हमारे साथ हो जाता है तो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट यानी कि एमका टेड बीएफ एचएलएफटी 42 जैसे फाइटर जेट 3 से 4 साल और ज्यादा लेट हो जाएंगे। ऐसे में भारत के लिए बेहतर यही होगा कि ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय के साथ इंजन की डील साइन कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अमेरिका के साथ डील साइन करनी चाहिए या फिर ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय के साथ करनी चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।